जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज मैं 2024 अक्टूबर में सगाई के जितने भी शुभ मुहूर्त है वो सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यह शुभ मुहूर्त मैं आपको पंचांग के अनुसार बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी किसी पंडित या फिर ज्योतिषी के साथ भी इस मुहूर्त को साझा कर सकते हैं। विवाह से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि। इसीलिए विवाह और सगाई को भी शुभ मुहूर्त में करना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप सगाई शुभ मुहूर्त पे करते हैं तो इससे आपको भगवान और बड़ों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय तरीके से बीतता है। आइए जानते हैं अक्टूबर 2024 में सगाई के लिए कौन कौन से सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। इस साल सगाई के लिए अक्टूबर में सिर्फ 6 ही शुभ मुहूर्त देखे जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहला शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का देखा जा रहा है। शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, चंद्र वृश्चिक राशि में रहेंगे और अनुराधा नक्षत्र रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का देखा जा रहा है। शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है, चंद्र धनु राशि में रहेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। नेक्स्ट शुभ मुहूर्त 17 तारीख का देखा जा रहा है, दिन गुरुवार रहेगा। शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि है, चंद्र मीन राशि में रहेंगे और रेवती नक्षत्र रहेगा। नेक्स्ट शुभ मुहूर्त 26 तारीख का देखा जा रहा है, दिन है शनिवार। कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी, चंद्र कर्क राशि में रहेंगे और अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। नेक्स्ट मुहूर्त 27 अक्टूबर का देखा जा रहा है, दिन रविवार रहेगा। एकादशी की तिथि है, चंद्र सिंह राशि में गोचर करेंगे और मघा नक्षत्र रहेगा। नेक्स्ट मुहूर्त 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का देखा जा रहा है, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि भी रहेगी, चंद्र सिंह राशि में रहेंगे और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कमेंट करें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।